अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। इस छोरे को तो मैं जानता हूँ, ये तो वही है ना जो बाउंड्री क्लब में स्विमिंग सिखाता था। ये तो मेरे दूर का कजिन है, जेरी फर्नांडिस। इसको तो मैंने देखा है, अपनी कॉलोनी में देखा है। हम इन तीनों की तस्वीरें लेकर स्वीटी सिंह को कांटेक्ट करते हैं। देख सिटी, ये तीनों को ढूंढ के ला, ऐसे मोस्ट गुजराती खाना खिलाऊंगी। लेकिन माता जी, अब मुझसे ये तीनों को क्यों ढूंढवा रही है? इनमें से सिर्फ इनका बेटा ही ढूंढवाई है ना। तो वर्षा भाभी बताइए, इनमें से बेटा कौन है? आप इसे देखिए और इसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं ना हमें बताइए। लगता हेमंत को फिर से गर्मी का दौरा पड़ा है। हेमंत बाहर निकल। शरद तुम इसे एक तरफ ले जाओ वरना बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। क्या हुआ सर, आप लोग बाहर क्यों निकल आए? क्योंकि हम गर्मी से बचने आए, मरने नहीं। पानी इतना गर्म कैसे हो गया स्विमिंग पूल का? क्योंकि मैं गर्म हो गया हूँ। वो क्या है ना, लॉजिकली से बहुत तेज बुखार है। इतने हिम्मत आजा, एक मिनट मेरे साथ आइए, मैं बताता हूँ। आइए। अरे भाग कल। देखिए आप मेरी बात सुनिए, इस फोटो में जो इंसान है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं हम? माँ होके आपको नहीं पता कि इन तीनों में से बेटा कौन है? उसमें क्या हुआ, आपको भी तो नहीं पता कि कल्पेश कौन है? मुझे वाकई नहीं पता कि कल्पेश कौन है। आप भी तो बाप है, आपको भी नहीं पता कि बेटा कौन है? अरे लेकिन भैरवी, मेरे बेटे का नाम कल्पेश नहीं है। अरे लेकिन ललित भाई के बेटे का नाम कल्पेश है। अरे लेकिन मैं ललित भाई के बेटे के बारे में क्यों जानूंगा? क्यों, अभी अभी आप क्या बोले कि माँ होकर भी आपको नहीं पता कि बेटा कौन है, तो आपको भी बाप होकर नहीं पता कि बेटा कौन है? भाई एक मिनट, चकुड़ी, कल्पेश इनका बेटा नहीं है। लेकिन बा, वो किसी का तो बेटा है ना? धा किट था। थैंक यू। वो अभी क्या बोले कि माँ होकर भी आपको पता नहीं कि बेटा कौन है, आपका बेटा कौन है, ऐसा थोड़ी बोले। ठीक है, मैं फिर से पूछता हूँ, आप माँ होके आपको नहीं पता कि इन तीनों में से आपका बेटा कौन है? तो बराबर। वर्षा भाभी अब जवाब दीजिए। अब वर्षा भाभी ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पैदा होते ही गुम हो गया हो? नहीं, अगर ऐसा हुआ भी हो तो ध्यान से देखिए, इसमें से एक तस्वीर 10 साल के बच्चे की है, एक 25 और एक 35 साल का है। अरे माँ हो के आपको इतना तो अंदाजा होगा कि आपने अपने अपने बच्चे को 10 साल पहले जन्म दिया था, 25 साल पहले या 35 साल पहले। अब भाई माँ है आप अपने बच्चे को कैसे नहीं पहचान सकती? मुझे जवाब चाहिए, वो भी बिना घूमे। हेमंत बैठ बैठ, चुपचाप बैठ के मत जाना। अरे यही रुक, यही रुक, इधर ही खड़ा रहे, ठीक है? मैं अभी आता हूँ। रिलैक्स। अब प्लीज मुझे बताइए, जिसको आपने फोटो में देखा वो कहाँ मिलेगा? यही है वो, आपकी आंखों के सामने। कौन मैं? अरे यही तो है इस फोटो में, देखिए देखिए इसे। बताइए मामला क्या है, बताइए वरना मैं 2 दिन तक यही बैठा रहूंगा। अरे वाह, आइए मैं आपको आपका कमरा बता देती हूँ, आइए मेरे साथ। इधर ही रुक, वरना तुझे बाहर का रास्ता दिखा दूंगी, डाकर कहीं की। अरे कैसी माया, वहां होकर आपको कैसे नहीं पता कि इसमें से आपका बेटा कौन है? जवाब मैं देती हूँ, मुझे तो पता ही था कि एक ना एक दिन ये सवाल खड़ा होने ही वाला है। और मुझे भी पता था
कि ये सवाल तेरी वजह से खड़ा होगा। डाकड़ कहीं की स्वीटी भाई, आपका फोन कहाँ है? रवि, मेरा फोन, मेरा मोबाइल कहाँ है? अभी तो यही रखा था। ऐसे क्यों? मेरा फोन ये रहा। ले लीजिए। अरे ये तो सारे फोन एक जैसे, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरा फोन कौन सा है। तो जब आप अपना मोबाइल फोन नहीं पहचान पा रहे, जो अभी अभी खोया है, तो वर्षा भाभी अपने बेटे को कैसे पहचान पाएगी जो सालों पहले खो चुका है? अरे रोबी, ऐसे मोबाइल की तरह इंसान नहीं बनते कारखाने में, सेम टू सेम डफोल कहीं की। करेक्ट, आई शपथ, करेक्ट बोल ली माताजी। और ये मुझे कहती है कि मैं गड़बड़ करती रहती हूँ डोबी। आंटी भावना, आप क्या कर रही है? साबित करके आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही हैं। अच्छा खासा उस मीटी सिंह को कंफ्यूज कर रही थी। ऐसे मैं क्या बोलती हूँ, मैंने अभी जो बोला ना उसे डिलीट मार दे। ए, क्या गड़बड़ है इधर, क्या मामला क्या है मुझे बताइए। तो बराबर वर्षा बाबू, बता दीजिए। ए तो चुप रह। देख सिटी, तुझे गुजराती खाना खाना है ने? ए, तो इन तीनों के बारे में जो कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता है वो निकाल कर ले आ। नहीं माता जी, पहले मेरे सवालों के जवाब। अच्छा तो मैं तेरी बीवी को फोन करके बोल दूंगी कि तू उसे नागिन बुलाता है। मैंने कब कहा उसको नागिन? मुझे राजस्थान एक्सप्रेस से साफ बता दिया। हाई कमांड ने भी कंफर्म किया है कि 1313 हमारे ग्रह से वेदर कंट्रोल मशीन चुरा कर फरार हो गया, और उस मशीन को रिपेयर करने के लिए वो 2015 को मजबूर कर रहा हो, इसलिए हमारे बेटे ने हमसे संपर्क किया होगा। लेकिन पापा, 2015 भैया को संपर्क ही करना था तो उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? क्या उन्हें पता नहीं है उनके बिना हमारी क्या हालत हो रही है? 2 साल वो हमसे छुपते क्यों रहे? 2015 जानता है शिशिर, वो मशीन सिर्फ मैं, हेमंत और वो खुद मिलकर ही रिपेयर कर सकते, और ये बात उस 1313 को पता नहीं है। ये भी पता नहीं है कि हम हमारे बच्चे को ढूंढने इस पृथ्वी पर आए हैं। अगर उसे भनक लग गई ना कि हम यहाँ आए हैं, तो हम सबको मजबूर करके वो मशीन रिपेयर करवाएगा, फिर इस ग्रह को बर्बाद कर देगा। शिशिर, हम सबको मुसीबत से बचाने के लिए जानबूझकर हमारा बेटा हमसे 2 साल तक दूर रहा। इस फोटो में जो लड़का है जो आपके यहाँ काम करता था, उसके बारे में बताइए। ये लड़का जो है, अरे 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 मत का मत का। वेटर, अरे कितनी मिर्ची डाली आप लोगों ने, देखिए इसके मुंह से आग निकल रही है। आपको कहा था ना पनीर चिली में चिली मत डालना। वो क्या आपकी प्लेट में जलेबी दीजिए, दीजिए इसे। हेमंत जलेबी खा, जलेबी दीजिए। अब आप क्या कहेंगे? आपने जलेबी में भी मिर्ची डाली होगी, कितने लापरवाह आप लोग। नारद, इसके मुंह में पानी डाल। हेमंत, पानी भी, पानी भी। अरे अरे मानो, ये कैसे हो सकता है? अरे मिस्टर मानो, आप मुझे ये बताइए, कितनी भी मिर्ची डाली गई हो, मुंह से आग कैसे निकल सकती है?
मुझे इस लड़के में कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़? गड़बड़ मतलब आपको ये द्रौपदी युद्ध का राक्षस दिख रहा है हाँ? या चाइनीज खाने का ड्रैगन? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप? नहीं आप ये सब छोड़िए ना शरद, हेमंत को लस्सी पिला, ठंडा कर लेके जा। हाँ ठंडी वाली। हेमंत चल, अरे चल आप मेरे साथ चलिए। एक जी नमस्ते, आपके हस्बैंड सीजे सिंह हमारे यहाँ पे गुजराती खाना खा रहे हैं। बीन बजाओ श्रीदेवी की पिक्चर। हाँ रीना है। नागिन नागिन क्या नागिन सुनो। अच्छा ठीक है मैं आपको बाद में कॉल करूँ। ओके बाय। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बता रहा हूँ ना, लाया हूँ ना रिपोर्ट, ये निकलवाई है रिपोर्ट। तो फिर क्या जरूरत थी मेरी नागिन को फोन करने की है? मतलब कि मेरी वाइफ को फोन करने की। देखिए इस रिपोर्ट के हिसाब से जिस बच्चे की तस्वीर आपने मुझे दिखाई थी ना, इसका नाम है जेरी फर्नांडिस, एना का भतीजा। क्या? मेरा भतीजा भी ऐसा ही दिखता है और उसका नाम जेरी फर्नांडिस है। हाँ तो इसका नाम भी जेरी फर्नांडिस ही है, लेकिन ये और इसका परिवार पिछले 2 साल से गायब है और वो आज तक गायब ही है। दूसरा और दूसरा वाला? ओ, दूसरा वाला बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो तो 2 साल पहले ही गुजर गए, यानी मर गए। क्या? भाई, मतलब फादर ने, फिर तो यही होगा मेरा बेटा। थैंक यू सो मच। डिंग 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 डिंग। मुबारक हो वर्षा भाभी, मुबारक हो, मीठा कीजिए। एक मिनट। अच्छा आपको भी चाहिए? अरे ये क्या मुबारकबाद की इस बात की? अरे जहाँ तक मेरी जानकारी जाती है, घर में बेटा पैदा होता है तब लोग मुंह मीठा करा के एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। पर अभी अभी मैंने किसी की मौत की खबर दी है और आप लोग मुंह मीठा करा कर जश्न मना रहे। ए सिटी वो सब छोड़ने भाई, ए इतना मस्त गुजराती खाना खिला रही तो खाने चुपचाप भाई। और खाने के बाद पता कीजिएगा वो 2 साल पहले जो इंसान मरा था ना वो आजकल कहाँ है। अरे चने एक नंबर नहीं, हरक पदुड़ी चे हरक पदुड़ी मने कितनी बार। इधर खड़ी रहे चुपचाप। इतना डायरेक्ट बोलने की क्या जरूरत थी घोटाली? इधर चुपचाप खड़ी रहे, इधर ही खड़ी रहे। बोला ना एक बार, मैं बात करती हूँ। सिटी वो बेचारी एक माँ है, इसे उम्मीद कैसे छोड़ दे। आप ट्राई तो कीजिए स्वीटी भाई, हो सकता है कि वो मरा हुआ इंसान वापस आ गया। मतलब जहाँ मरा हो वहाँ नहीं गया हो, कहीं और चला गया हो। देख देख ए सिटी भाई, एक मिनट शांति रख। तो 5 मिनट के लिए भूल जाने भाई कि तू इंस्पेक्टर है, तो लॉजिक को भी साइड में रख। एक माँ की फरियाद सुन और ये मान के चल कि ये जिंदा है, और अब उसके बारे में पता कर है? और हमको आके बता। ले 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 ए गुगरा खा मारा सब तने खाता। ए भूपत का झाग निकल रहा है। अरे आग निकल रही है, बोल आग। झाग क्या होता है? आग तो वो वॉशिंग पाउडर से निकलता है, वो नहाते वक्त तुम्हारे बालों में डालता हूँ ना मैं ऐसे शैम्पू करने के लिए। ओ ओ श्री घोटाला, ये देखो ये देखो, ये देखिए पापा। लगता है तेरा से तेरा अंकल खुद ही वेदर कंट्रोल मशीन रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ए माँ, ए भैरू, अरे क्या हुआ? बाप रे, अल्लाह बर्फबारी बोल रहे हैं। एक मिनट, अरे घाई करू नका माता जी, मुझे लगता है कि कोई हमें बेवकूफ बना रहा है। अरे भाई कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है, और आपको बेवकूफ बनाने की जरूरत क्या है? अरे कोई मुझे चूंटी काटो। अरे तुम ही खुद काट लो, सेम मजा आएगा। एक मिनट, मेरा फोन। हेलो
हेलो परजाई जी, अरे मैं स्वीटी सिंह बोल रहा हूँ। अरे परजाई जी, शिमला छोड़ो, कश्मीर छोड़ो, अरे हॉलीडे के लिए मुंबई आ जाओ। अरे यहाँ तो भयंकर बर्फबारी हो रही है, अरे वीर जी और बच्चों को लेकर आ जाओ, आज बड़ा मजा आएगा जी। आई शब्बत गम्मत झाली रे। हाँ फोटो भेजता हूँ आपको। है चकुड़ी, ये क्या कर रही है? अरे बाबू, घर का फ्रिज खराब हो गया है ना, तो ये सब बर्फ जमा कर रही हूँ डीप फ्रीजर में रखने के लिए। धा किट था। ओहो चक्राम, फ्रिज खराब हो गया है तो ये जो बर्फ तू अंदर लेकर जाएगी तो वो भी पिघल नहीं जाएगी? अरे बाबू, मैं फ्रिज रिपेयर करने वाले भैया को बुला लूंगी ना, फ्रिज ठीक हो जाएगा तो सारी की सारी बर्फ फिर से जम जाएगी। ओहो, तो एक काम कर, अंदर से ही पानी भर और बर्फ की ट्रे में डाल दे, सेम मजा आएगा। तो बराबर। लाल बारिश और इतनी जलन क्यों हो रही है? ये लाल बारिश नहीं है, एसिडिक रेन है, एसिडिक रेन। इसीलिए शायद सबके शरीर पे ऐसे फफोले हो गए हैं। लगता है कि मौसम पागल हो गया है। सिटी, कंप्लेंट लिखो। अरे किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखूं? मौसम के खिलाफ, चीटिंग करने के जुर्म में। मेरे बा को कितना मजा आ रहा था, है ना बा? मौसम की इतनी हिम्मत। चकुड़ी, रॉन्ग नंबर फोन रख दे। लगता है ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है का बाबा? भैया, शिशिर की बात बिल्कुल सही है, ये जरूर 1313 की कोई साजिश है। करेक्ट। जानबूझकर वो ऐसे हालात पैदा कर रहा है जहां सामने से वो वेदर कंट्रोल मशीन रिपेयर कर रहे हैं उसके पास जाए। वसंत भैया, अरे हाथ मत लगा उससे गेंडे, अरे जल जाएगा वो, अरे भस्म हो जाएगा, अरे भस्मासुर हो गया ये। अरे अपने बालों को भी हाथ मत लगा हेमंत, गंजा हो जाएगा तो। मैं काम कर रहा था, ऐसा रख और उस दीवार को कंपनी दे, जा जा जा। अरे संभाल के। वसंत भैया, मुझे लगता है कि वही लड़का होगा, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, जिसको किडनैप कर लिया था किसी ने। किडनैप कर लिया था? हाँ, वहाँ के मैनेजर ने मुझे बताया कि अब आप मुझे बताइए इस लड़के के बारे में। ये लड़का काम करता था हमारे यहाँ, अच्छा था, लेकिन बहुत अजीब था। एक इस लड़के को कभी देखा आपने? हाँ, ये उसका दोस्त है, अक्सर यहाँ आता था, और इसके साथ एक लड़का और भी आता था। तो आप कहाँ है लड़का? मुझे नहीं मालूम, रात के अंधेरे में कुछ अजनबी लोग आए और उसे जबरदस्ती उठा कर ले गए। मैंने पुलिस में रिपोर्ट की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। नाम क्या था इसका? और उसका नाम रोहन बताया था उसने। मानो वही होगा शरद, वही होगा हमारा 2015। लेकिन भैया, वो जाकी के साथ जो उसका दूसरा दोस्त था 212, वो भी तो रोहन हो सकता है। और हो सकता है कि हमारा 2015 अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग रूप में घूम रहा हो, कभी बच्चा बनकर, कभी वो आदमी, कभी कोई और, कभी कोई कॉलोनी वाला। फिर तो जैसे बसंत अंकल पापा की हमशक्ल है, वैसे कॉलोनी वालों में से किसी एक का कोई हमशक्ल होगा। मतलब हमें लगा होगा भद्रेश अंकल हमारे सामने से गुजर रहे, लेकिन वो असल में भद्रेश अंकल नहीं बल्कि हमारे 2015 भैया हो। अरे बाप रे, रूप परिवर्तन करके घूम रहा होगा तो कैसे पहचानेंगे 2015 को? अब वो कौन से रूप में होगा?